कहा जाता है कि मन में कुछ कर गुजरने की इच्छा हो, फिर चाहे गरीबी हो या परेशानियों का पहाड़ हो, मन में जब सफल होने की बात ठान ली हो तो उसे कोई नहीं रोक सकता। कुछ ऐसा ही मामला खंडवा जिले के डुलहार का है, जहां एक फल बेचने वाले के बच्चे ने न सिर्फ नीट की परीक्षा में सफलता हासिल की बल्कि ऑल इंडिया रैंकिंग में 667वां स्थान भी प्राप्त किया। देखिए सुमायरा न्यूज की एक खास रिपोर्ट। नीट का रिजल्ट घोषित हुआ, जिसमें खंडवा जिले के ग्राम डुलहर के अजय पगारे ने सफलता प्राप्त की। अजय पगारे ऑल इंडिया रैंक अनुसूचित जाति कैटेगरी में 667वां स्थान प्राप्त किया। अजय पगारे ने बताया कि मैं MBBS में सफलता प्राप्त कर डॉक्टर बनूंगा। मैं खंडवा जिले के ग्राम डुलहर का निवासी हूँ। मेरे पिता किसान है और मैंने नीट 2019 का एग्जाम दिया है, जिसमें मेरे को ऑल इंडिया में SC कैटेगरी में 667वीं रैंक प्राप्त हुई और मैं काफ़ी खुश हूँ, ताकि मैं डॉक्टर बनने जा रहा हूँ। और मेरे पिता ने विपरीत परिस्थितियों के सामना करते हुए तथा और फल फ्रूट का ठेला लगाते हुए मुझे पढ़ाया और आगे बढ़ाया, और मैं आगे MBBS करके गरीब और असहाय लोगों की सहायता करना चाहता हूँ। कक्षा 10वीं से खंडवा जिले में टॉप किया था। अजय ग्राम डुलहर के रहने वाले किसान राजेश पगारे का पुत्र है। इसके अलावा वह अपने पिता को कृषि कार्य में मदद भी करता है। इसकी सफलता को लेकर गांव में हर्षोल्लास का माहौल है और गांव वाले इस सफलता पर उसे बधाई भी दे रहे हैं। इसके अलावा अजय पगारे के पिता ग्राम डुलहर में फल का ठेला लगाते हैं। इसके लिए अजय पगारे अपने पिता की मदद करता है। परिणाम सुनने के बाद उसे गांव वालों ने बताया कि उसका चयन नीट में हुआ है। गर्व की बात यह है कि वह एग्जाम खत्म होने के बाद भी बिना किसी शर्म के पापा के साथ हाथ ठेला एक माह से लगा रहा है और कल भी उसने दुल्हार फाटा पर फल का ठेला लगाया था। राजेश पगारे के पिता ने बताया कि अजय को मिली सफलता के पीछे मुख्य कारण यह है कि मैंने अपने बालक को टीवी से पिछले 3 सालों से दूर रखा था और मोबाइल से भी पूरी तरह दूर रहा, जिसकी वजह से अजय को यह मुकाम हासिल हुआ। राजेश है, मैं ग्राम डुलहार खंडवा जिले का निवासी हूँ। मेरे बच्चे ने बहुत अच्छी सफलता हासिल की है, मैं उसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मेरे बहुत खुशी है कि मेरा बच्चा इतनी अच्छी रैंक से आया है और अच्छी सफलता प्राप्त करी है। क्या है कि बच्चे और अच्छे पढ़ते तो माँ बाप को बहुत खुशी होती है। ये बताइए कि क्या राज है, सफलता का क्या राज है कि इसको इसको इतने अंक मिले इसको लेकर? बच्चे को सर मैं बार बार जागरूक करता रहा, उनको बताता रहा कि बेटे अच्छे से पढ़ाई करो, समय से उनको उठाना और पढ़ाई करवाना। फिर मैंने देखा कि बच्चे जैसे स्कूल से आते हैं तो टीवी वगैरह देखते हैं, तो उसमें टाइम उसका ख़राब होता है, मोबाइल से भी दूर रखा, टीवी को से भी दूर रखा, उनको टीवी बंद कर दिया मैंने, मोबाइल से दूर रखा ताकि वो अच्छे से पढ़ाई कर सकें। ग्राम डुलहार की निवासी हूँ। मेरे जो बालक ने जो सफलता प्राप्त की है, मैं उससे बहुत खुश हूँ और चाहती हूँ कि ऐसे ही सफलता आगे भी उसे मिलती रहे और अच्छे से अच्छा डॉक्टर बने और जिससे वह गरीब लोगों की सहायता कर सके। मेरा यही सपना है कि वह गरीब और असहाय लोगों की भी मदद करे और हमारी भी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सके।